हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे 9 माइनर एक्ट के विषय में। इस बार जो PCSJ का एग्ज़ाम है, जो 12 फरवरी को डिसाइड हुआ है, उसमें यदि कहा जाए कि केंद्र बिंदु क्या है, मेन पॉइंट उसका क्या है, तो वो माइनर एक्ट है। माइनर एक्ट को लेकर स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हैं, कैसे तैयारी करें। अब समय जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और लोगों की टेंशन जो है, चिंताएं हैं, वो साफ उनके माथे पे छलक रही है। पता चल रहा है जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट्स के जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, खासकर माइनर एक्ट को लेकर। माइनर एक्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, क्लास ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन एक मनी जो होता है, पैसा, वो सामने आके खड़ा हो जाता है, वो करने नहीं देता क्लास को ज्वाइन। चाहत तो है स्टूडेंट की कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी लेक्चर अटेंड करूं, मैं भी PDF लूं, मगर पैसे की दिक्कत से वो स्टूडेंट इस चीज से वंचित हो जा रहे हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना हर स्टूडेंट की पूर्ति, जो उसकी चाहत है, जैसे वो पढ़ना चाहता है माइनर एक्ट को, उनकी चाहत को इस वीडियो के तहत पूरी की जाए। जैसे आप जाते हैं, देखिए हर स्टूडेंट की क्या होती है, चीजें अलग अलग होती हैं, लालसाएं अलग अलग होती हैं। कोई वीडियो देखना चाहता है तो कोई सिर्फ PDF लेना चाहता है, कोई दोनों चीजें लेना चाहता है, तो ऐसे अलग अलग लालसाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं स्टूडेंट्स की। जैसे आप जाते हैं शादी विवाह में, तो शादी विवाह में देखिए, तो शादी विवाह में खाने का स्टॉल लगा रहता है। किसी को मीठा पसंद है तो वो मीठे की तरफ जाता है, किसी को तीखा पसंद है तो वो तीखे की तरफ जाता है। तो उसी तरह आज के वीडियो में आप लोगों के लिए भी ऐसा ही व्यंजन पूरा समेटे हुए हैं कि जिसको जो टेस्ट पसंद है उस टेस्ट के हिसाब से क्लास को ज्वाइन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिए, वो हर चीज़ आपकी इस वीडियो में पूरी होगी। पहली चीज़ मैं बताऊं, कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या आपको कैसे ले सकते हैं। पहली चीज़ मैं बताऊं, ये हुआ, सॉरी, फर्स्ट, ये पहला पॉइंट हमारा। इसमें क्या है, 9 माइनर एक्ट ये पूरा लेकर आप क्या ले सकते हैं, एक तो वीडियो ले सकते हैं, वीडियो हो जाएगी, दूसरा क्या ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, आप क्या ले सकते हैं, 9 माइनर एक्ट का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ये दोनों चीज ले सकते हैं। जब दोनों चीज लेंगे तो देखिए क्या होगा, जब दोनों चीज लेंगे तो आपको ₹1900 पे करने होंगे। कितने, ₹1900 पे करने होंगे। कब, जब आप वीडियो भी लेते हैं, लेक्चर भी लेते हैं और साथ ही साथ आप PDF लेते हैं, क्लियर। इसमें पूरा आपका 9 माइनर एक्ट मिलेगा। दूसरी चीज आप समझिए, दूसरी चीज में क्या है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो वीडियो नहीं लेना चाहता होगा, PDF लेना चाहता होगा, वो सोचता होगा कि भाई वीडियो देख के क्यों हम टाइम बर्बाद करें। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपके लिए क्या सही रहेगा, तो आपके लिए यही सही रहेगा, वीडियो प्लस PDF। अभी भी समय नहीं गया है और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो है भी नहीं, छोटे छोटे एक्ट, कितना समय लग जाएगा, एक दिन में आप दो दो एक्ट आराम से खत्म कर सकते हैं वीडियो प्लस PDF देख के, मैं बता रहा हूं अब अच्छे से। अब वीडियो की देखिए ताकत क्या है, PDF तो मान लीजिए आप ले लेते हैं, PDF में उतनी चीजें नहीं समझ में आती, और वो भी PDF में उसको वो चीज समझ में आएंगी जिसने वो एक्ट पहले से पढ़ा है, वो समझता है उस एक्ट को, तो ही वो PDF काम में भी आती है। अन्यथा ये रहेगा कि हाँ ये सेक्शन में ये है, ये सेक्शन में ये चीज, तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन जो बारीकियां चीज होंगी वो सभी चीज आपके PDF में नहीं आती,
जो आदमी बोलता है, वीडियो में लेक्चर देता है, क्या कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कैसे किस चीज को कैसे जोड़ रहा है, चीजें जो है देखने से ज्यादा स्पष्ट होती हैं। जब आप मूवी देखते हैं, मूवी में रटना नहीं पड़ता आपको, आप देखते भर रहे हैं, वो छवि आपके दिमाग में छप जाती है। आपसे आज भी पूछा जाए कि शोले में क्या क्या हुआ था, कहानी बताइए शोले की, तो शोले में आप बता देंगे कि एक यहाँ अमिताभ बच्चन थे, दो हीरो थे, एक विलेन थे, गब्बर थे, ऐसे ऐसे ये चीजें हुई थी, ये बता ले जाएंगे आप। वही हाल यहाँ लेक्चर में है कि आप जब लेक्चर देखते हैं तो वो छवि जो है आपके दिमाग में बस जाती है कि मैंने कैसे पढ़ाया था, कैसे कनेक्ट किया था उस चीज को। फिलहाल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट चीज जिसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ मिलेगा, ये 1900 रुपए, ठीक है, यदि आप टोटल 9 माइनर एक्ट लेते हैं। दूसरी चीज, यदि आप टोटल 9 माइनर एक्ट ले रहे हैं, वीडियो नहीं, सिर्फ आप पीडीएफ ले रहे हैं, अब समझिए ध्यान से, पीडीएफ ले रहे हैं, तो यहां क्या है, यहां आपको पे करना होगा मात्र 700, समझ रहे हैं? यहां सिर्फ आप यदि पीडीएफ ले रहे हैं तो आपको 700 पे करना होगा। थर्ड पॉइंट आइए, अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे, देखिए इस आज के वीडियो में सबका ध्यान रखा गया है, चाहे जिस टाइप के स्टूडेंट हो, जिनको जो चीज जरूरत है उनका हर ख्याल रखा गया है इस वीडियो में। तो पहला हमने बताया कि पूरा 9 माइनर एक्ट आपको लेना है, वीडियो ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, तो कितना पे करना है। यदि आप सिर्फ पीडीएफ लेते हैं 9 माइनर एक्ट का, तो कितना पे करना है, ध्यान रहे ये पूरे पीडीएफ होगा, 9 माइनर एक्ट का है ये, ठीक है। अब जो मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसमें क्या हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो ये वीडियो और पीडीएफ सभी 9 माइनर एक्ट का नहीं लेना चाहता हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 9 एक्ट जो माइनर एक्ट है पूरे नहीं लेना चाहेंगे, कुछ एक्ट लेना चाहेंगे, कुछ एक्ट उन्होंने पढ़ रखे होंगे, समझ में आ रहा होगा, कुछ एक्ट ऐसे होंगे जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई भी एक्ट वो सिंगल भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा सिंगल भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी एक्ट आप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का हो गया एक्ट, तो यदि आपको सिर्फ एक ही एक्ट लेना है तो इस एक्ट का आप वीडियो भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं, यहां जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 9 माइनर एक्ट लीजिए, ठीक है। ये हो गया, मतलब ये थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि सिंगल क्या है, वीडियो ले सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और आया, चौथा, इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे यह हुआ इसमें आप सिंगल ले सकते हैं, वैसे ही पीडीएफ जो है यह 9 माइनर एक्ट की आपको दी जा रही है 700 में, ध्यान रखिएगा यहां पे 700 में 9 माइनर एक्ट दिया जा रहा है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो पीडीएफ खाली 1, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट ऐसे जो उसको लगता है कि हाँ इस एक्ट की मुझे पीडीएफ की आवश्यकता है, तो उस एक्ट की ही सिर्फ पीडीएफ ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 9 एक्ट की आप पीडीएफ लें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ की बात कर रहा हूँ चौथे पॉइंट पे। तो यदि वो सिंगल पीडीएफ लेता है, समझिए ध्यान से, यदि वो सिंगल पीडीएफ लेता है या 9 पीडीएफ न लेकर 4-5 पीडीएफ लेता है, 4-5 एक्ट की पीडीएफ लेता है, तो उसे 100 रुपीज पर पीडीएफ देना होगा, ठीक है, 100 रुपीज पर पीडीएफ, इस बात का ध्यान रहे आपको, 100 रुपीज पर पीडीएफ देना होगा, ठीक है। यदि आप 9 एक्ट न लेकर सिंगल ले रहे हैं तो, यदि आप 9 एक्ट पीडीएफ लेते हैं तो आपको कितना, 700 रुपीज देना होगा, क्लियर। तो ये सभी द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, जैसे मन करता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरी इच्छा पूछेंगे
कि कौन सा बेस्ट होगा, तो मेरे लिहाज से आपके लिए यही बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इसका दाम ज़्यादा है या मैं पैसा अर्न करना चाहता हूँ इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। एज ए टीचर जो गाइड मैं कर सकता हूँ आपको, यही रहा दूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो प्लस पीडीएफ लीजिए। पैसा बहुत मायने नहीं रखता, आपका सिलेक्शन मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। पैसा आता जाता रहेगा, इंतजाम कर लेंगे। एक जोड़ी कपड़े आप कम पहनिए, ठीक है। जब बात एजुकेशन की आए, शिक्षा की आए, तो उसमें पैसा मत देखिए कि ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। चीज कायदे की मिलनी चाहिए और वो मिलेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि लेना होगा तो आप कोशिश करिएगा ये लीजिए, अन्यथा आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो मन करता है वो आप ले सकते हैं। अब संपर्क आप कैसे करेंगे, तो आप इन नंबर पर मुझको कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इस नंबर पर सबसे पहले आप कॉल करिए, ये सेकंड नंबर जो है 8840679353, इस नंबर पर पहले आप कॉल करेंगे। ये किसी कारणवश नहीं लगता है तो आप सेकंड नंबर 9455417044 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी इससे संबंधित, नाइन माइनर एक्ट से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ रहेगी इस पर मैं सबसे पहले दूंगा, ठीक है। और रही बात ये नाइन माइनर एक्ट में, तो हमने अभी तक में 3 एक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो आपको वो सभी एक्ट भी मिल जाएगा जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। चौथा एक्ट अब कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो जिस स्टूडेंट को भी क्लास ज्वाइन करनी है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और तुरंत वो पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि टाइम अब नहीं रह गया। तो जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, यही मुझे बताना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।